हाँ दोस्तों, मैं हूँ उपेंद्र गुप्ता। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि आप कैसे वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ, अपने गांव का या अपने कस्बे का आप वोटर लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है, 2 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के मेरे पूरे वीडियो में आप बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे वोटर लिस्ट डाउनलोड। हाँ तो दोस्तों, क्या होता है कि जो चुनाव सदस्य होते हैं लोग, उनको कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है वोटर लिस्ट पहले चेक करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताया हूँ कि कैसे आप वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं और उसका स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने क्रोमा ब्राउज़र पे जाएंगे, अपने मोबाइल की स्क्रीन को खोलकर अपने क्रोमा ब्राउज़र पे जाएंगे। तो क्रोमा ब्राउज़र को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो आप सर्च करेंगे, तो सर्च बॉक्स में आप वोटर लिस्ट लिखेंगे। वोटर लिस्ट लिखने के बाद वोटर लिस्ट हो जाने के बाद जिस स्टेट से आप रहेंगे उस स्टेट का नाम डाल देंगे। जैसे कि देखिए, मैं यूपी से हूँ, यूपी का डाला हूँ। आप जिस स्टेट का होंगे उस स्टेट का नाम डालिएगा। जैसे कि देख सकते हैं, ये पेज खुल कर आया है सामने। ये सब डाउनलोड करने वाला लिंक है, तो हम लोग सबसे पहले वाला ऊपर वाला लिंक को ओपन करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने हो गया। देखिए, जैसे लिखा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश का खोला हूं। आप जिस स्टेट का होंगे उसी स्टेट का खोलिएगा। जैसे कि पहले में लिखा है निकाय का प्रकाश, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नगर निगम नगर पालिका परिषद नगर पंचायत, तो आप जिस एरिया में आते हैं उसका क्लिक कीजिएगा। मैं नगर पंचायत में आता हूँ, तो मैं नगर पंचायत को क्लिक करता हूँ। जैसे आप जिला अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं कुशीनगर ज़िले से हूँ, मैं कुशीनगर से। अब निकाय का नाम डाल देंगे। अब देखिए, जहाँ पे आपका ये जिस क्षेत्र से आप बनता होगा आपका वोटर आईडी, उसका नाम डाल देंगे। मेरा रामकोला है, तो मैं रामकोला डालता हूँ। रामकोला के बाद वार्ड नंबर डालेंगे अपना। वार्ड नंबर जो आपका गाँव होगा, जो आपका एरिया होगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बाजार टोला, यहाँ पे इतना ये सब लिखा, मेरा कस्बा टोला, तो मैं कस्बा टोला को डाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटर कोड बिलो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, तो मैं कैप्चर, ये कैप्चर दिया हुआ है, इसको आप डालेंगे उस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद हो जाने पर सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आएगा। तो ये देखिए, मोबाइल इंटर योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले इसमें मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, कोई सा भी मोबाइल नंबर हो आप इसमें लिखेंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब इस पर जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर आप दाबेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरेट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। यहाँ पे ओटीपी आ रहा है मेरे नंबर पर, देखिए आ चुका, मैं डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर दाब देता हूँ। जैसे ही दाबता हूँ, जैसे ये इंटरफेस आता है वोटर लिस्ट डाउनलोड, जैसे ही दाबूंगा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, मेरा पूरा इस एरिए का वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर। क्लिक करने के बाद देखिए, ये आपके सामने आ गया पूरा लिस्ट, जितने लोग होंगे आपके एरिया में उन लोगों का नाम आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं एकदम आसानी से। जैसे देख सकते हैं फ्रंट पेज पर क्या लिखा है, नगर पंचायत निर्वाचन और निकाय रामकोला, सब डिटेल लिखा हुआ है इस पर। और यहाँ पे देख सकते हैं सबका लिस्ट में नाम है, जो इस एरिया में रहते हैं उनका नाम है। आप भी चेक कर सकते हैं किसका नाम है या नहीं है, आप बिल्कुल आसानी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप आसानी से चेक कर पाएंगे।
यहाँ पे वोटर आईडी अभी तक प्राइवेसी हो चुका है, तो वट फोटो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ वो लिखा हुआ दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से आप सभी को समझ में आ चुका होगा, आप भी समझ चुके होंगे और आप भी वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।